गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। एंड वी स्पोक अबाउट कम्युनिटी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ओके, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि हमने बात करी थी ब्यूरियल ग्राउंड्स, ठीक है, या फिर शादी वगैरह जो होती है, धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, वो सब कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे गाँव में अगर हम जाते हैं, अर्बन एरियाज में वॉटर कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो पैस्चर लैंड्स होते हैं वो गाँव वालों के होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकते हैं, या फिर वो कैटल शेड्स होते हैं वो भी कम्युनिटी बेस्ड हो सकते हैं। तो दीज आर व्हाट यू कॉल कम्युनिटी रिसोर्सेज। द नेक्स्ट आर दी नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रीय, जैसे हमारे जितनी सबकी जमीन है, हमारे जितने मकान है, हमारे जितनी देश की संपदा है, सबकी सब भारत सरकार के अंतर्गत आती है, हमारा खुद का भी है। इसी से रिलेटेड एक कानून था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हटा दिया गया है, उसका रीजन है। अभी हम पढ़ते हैं 7 फंडामेंटल राइट्स, इसके पहले होते थे 8 फंडामेंटल राइट्स। आठवां हटाया क्यों गया? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी था, वो कॉन्ट्रडिक्ट करता था। मान लो मैंने लोन लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गिव समथिंग एज एन इंश्योरेंस। तो मैंने दे दिया अपने मकान के पेपर, या प्लॉट के पेपर, या फिर फ्लैट के कागज, या फिर मेरा लैंड एरिया जो है मेरे पास, जो फील्ड है, उसके कागज दे दिए। अब मैं उसको सबको पे वापस नहीं कर पाया, सो व्हाट विल हैपन? द बैंक इज ऑथराइज टू कन्फिस्केट द मनी, है ना। तो वो जो पैसा है वो कैसे वो लेगा? तो प्रॉपर्टी, बैंक इज अलाउड टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि अगर मैंने लोन के लिए, मान लीजिए मैंने अपना कोई भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, वो दिया है, तो बैंक को फिर अधिकार हो जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो कोलैटरल के रूप में आपने यूज़ किया, स्वाभाविक सी बात है। परंतु अगर राइट टू प्रॉपर्टी होता तो फिर क्या होता कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है भैया, फिर आप मेरा मकान कैसे ले सकते हो? तो फिर बैंक वाला का नुकसान उठाएगा। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट है वो हमने हटा दिया है। तो एक होता है, फिर देखिए नेशनल प्रॉपर्टी, उसके बाद होता है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। अच्छा, नेशनल प्रॉपर्टी में एक और चीज़ होती है। नेशनल प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं कि हमारी जो सी एरिया है, पोर्ट एरिया है, उसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल्स है, मतलब लगभग 22 किलोमीटर, इज कवरिंग आर ओन टेरिटरी। उसके अंदर आने वाली मत्स्य यानी कि फिशरीज, दूसरी सारी चीज़ें भी कहाँ रहेंगी, वो उसमें इंक्लूडेड रहेगी। उस सब पे भारत देश का अधिकार है। यहाँ पर हमारे जहाज खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर अगर किसी को आना है इंटरनेशनली, तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रहा है, तो उसे या तो पहले अपने कागज दिखाने होंगे, या फिर रेडियो पे संपर्क साधना होगा, या फिर किसी माध्यम से हमें ये बताना होगा कि वो इस चीज़ की परमिशन रखता है, तो ही हम उसको अपने समुद्री जो है क्षेत्र में प्रवेश करने का छूट दे सकते हैं। हमने 9th क्लास के वीडियो में आई एक्सप्लेन यू अबाउट दी पोर्ट एरियाज इन इंडिया। तो मान लीजिए ये पोर्ट एरिया है, ये हमारा कहीं का है, मान लीजिए महाराष्ट्र का है या फिर गोवा का है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ तक का नॉटिकल माइल है, ये इंडियन एरिया में आता है। अब इसके अंदर हमारे आइलैंड्स भी हैं क्योंकि, तो उसकी भी रक्षा हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो अंडमान निकोबार, तो ये हमारे आइलैंड से हमारे देश की संपत्ति में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है फिर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होता है कि एनीथिंग, है ना, कि भैया 200 नॉटिकल माइल्स के बाद एनीथिंग इज यू हैव योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जहाज जा सकता है। जैसे हमारा जहाज जाता है, मान लो हमारे जहाज को जाना है US, तो US जाने के लिए समुद्र के रास्ते में वैसा तो नहीं है कि कोने 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 करके जा रहा होगा, सी रूट है, जहाँ पर जो उसको सही मार्ग मिलेगा वहाँ से वो चला जाएगा। परंतु 200 उसके मील के उसमें जा रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो वहाँ पर जो है वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, उसको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कुछ। ये यहाँ पर जैसे टूल टैक्स लगता है हम रोड से जाते हैं, ऐसे ये जहाज़ों का टूल टैक्स है। फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स। अब रिसोर्स भी कई प्रकार के होते हैं। एक रिसोर्स होते हैं जो कि पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब उनमें बहुत काबिलियत है कि हम उनका यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सोलर और विंड एनर्जी राजस्थान और गुजरात में। अभी नाउ वी आर अप्रोचिंग द समर सीजन, तो हमें पता है कि राजस्थान और गुजरात में लू भी चलेगी और भयानक वाली गर्मी पड़ेगी। सो कैन वी यूटिलाइज दैट? यस, ऑफकोर्स वी कैन, बट द नो हाउ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट फुल्ली और द होल स्केल हैज नॉट बीन अचीव्ड। इसीलिए आज भी हम थर्मल पावर स्टेशन पे रिलाय करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वरना सोलर पैनल्स हैं, सोलर गीजर्स हैं, सोलर कुकर्स हैं, हमें फॉसिल फ्यूल से दूर जाना चाहिए।
पर फॉसिल फ्यूल भी हमने एक दिन में इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, उसे भी इट टुक जनरेशन टू ब्रिंग इट टू द बेस्ट ऑफ द यूज, है ना। आपने फोटोज देखा होगा इंस्टाग्राम पे नेट पर कि वो पुरानी कार्स होती हैं, किस प्रकार की कार्स थी, ठीक है। देन वी हैव डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब क्या कि जिसको हमने फुल स्केल डेवलपमेंट कर रखा है जिसका, जैसे अभी मैंने बताया फॉसिल फ्यूल्स, कोल, वी नो द हाउ टू यूज दोज रिसोर्सेज, वी आर वेरी वेल वर्स विद द नो हाउ ऑफ दिस रिसोर्सेज, वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द मशीनरी दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दोज रिसोर्सेज, सो वी दीज आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। देन वी हैव स्टॉक, स्टॉक वो होता है जिसमें हमने जैसे दुकान में रखते हैं स्टॉक, तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक रिसोर्सेस होते हैं। अभी इनके इसमें बहुत जो है, अगर आप देखें कि H2O हमारे पास बहुत मात्रा में H2O, हमें पता है कि H2O में अगर हम हाइड्रोजन का इफ़ वी डू द केमिकल रिएक्शन देन इट इज़ अ वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट रिलीजेस अमाउंट ऑफ हीट, तो उससे क्या होगा कि देन इट कैन ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल्सो, और उससे हमें काफ़ी हीट मिल सकती है और उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। परंतु देन अगेन लिमिटेशन क्या है, टेक्निकली नॉट फीजेबल। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था रिसोर्स के डेफिनेशन में, विच इज टेक्निकली फिजिबल, तो ये क्या टेक्निकली फिजिबल है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट टेक्निकली फिजिबल। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट। ओके ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑन इन दिस लेसन इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जी हमने देखा है कि रिसोर्स जो होता है वो अपने रॉ फॉर्म में होता है, जैसे हमें मिला कोल या हमें मिला क्रूड ऑयल, हमको इसको डेवलप करना पड़ता है और इसके बाद इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। हालांकि हो क्या रहा है कि वाइल डूइंग दिस वी आर नॉट केयरिंग अबाउट ऑफ द कंपनीज दोज इन्वॉल्व आर नॉट कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, है ना। यहीं से हमारा नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्या होता है कि अभी ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी इसमें हुआ कि देर वॉज रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, रेकलेस यूज ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। क्लास 9 में चैप्टर भी है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो उसके अंदर बताया है कि कितने कोई महाराजा और सरगुज आते हैं, उन्होंने 1000 शेर मार दिए थे, ओवर 80,000 एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स वर किल्ड, या फिर ओवर 40,000 एलिफेंट्स वर किल्ड फॉर देयर ट्रंक्स, द राइनोसोरस आर स्टिल बीइंग किल्ड फॉर देयर हॉर्न, है ना। तो ये जो जिस तरीके से हम रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ईदर द वे दे आर अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर अस, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ द फूड चेन, और या फिर अल्टीमेटली दे आर पार्ट ऑफ द होल रिसोर्स व्हाट वी कॉल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इधर यू कॉल इट द ब्रिटिश एरा, द कॉलोनियल पीरियड, दो वर्ल्ड वॉर हुए, दोनों वर्ल्ड वॉर में देर वॉज मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, पर आप ये समझो कि 1900 से लेकर के कि 2000 के बीच में 5 डिग्री बढ़ गया, तो क्यों बढ़ गया, आपने एक तो हाइड्रोजन बम गिरा दिया, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, फिर आप बोलते हो कि ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है। दूसरा, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, रेकलेस यूज ऑफ रिसोर्सेस। हमारे एक बहुत अच्छा इसके अंदर एक कथन है कि देयर इज अ स्टेटमेंट गिवन इन द एनसीईआरटी, देयर इज इनफ फॉर द नीड ऑफ एवरीवन, बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड ऑफ जस्ट वन, कि सभी के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, पूरे विश्व के लोगों के लिए हैं, परंतु किसी एक लालची के लालच पूरे करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन आपको पूरी धरती पे नहीं मिले, मतलब लालच बुरी बला, ठीक है। तो उसी के मद्देनजर वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच कैटर्स टू द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रेजेंट वन, कि हम आज के समय में रिसोर्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट वेरी इकोनॉमिकल एंड मोर वाइसली, मोर स्मार्टली, तो हम उसको ऐसे यूज कर रहे हैं जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन, जैसे हमें छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यू यूज इट, ओके, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई दे आर टेलिंग दिस, क्योंकि दीज आर नॉट अनलिमिटेड थिंग्स, दीज आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, दीज आर नॉट रिन्यूएबल, वंस दे आर यूज दे आर गॉन, है ना। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटर्स टू द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कीपिंग विद देम द आइडियाज फॉर द फ्यूचर, ठीक है। देन एक अर्थ समिट हुआ जब 1992 में फाइनली रियलाइज हुआ, 100 हेड्स ऑफ 100 स्टेट्स, जैसे इंडिया या फिर ब्राजील या फिर
यूएस अलग अलग जगह के अलग अलग कंट्रीज के हेड्स मिले और उन्होंने एक अर्थ सबमिट किया। ये पहला अर्थ सबमिट था, ये हुआ था रियो डी जनेरियो। आपने देखा होगा ब्राजील में एक जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है विद आर्म्स एक्सटेंडेड, काफी मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता। सो वहां पर ये इसकी मीटिंग हुई, यहाँ पर पहला कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पर दे अडॉप्टेड एजेंडा 21। नाउ व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 स्टेट्स दैट कि सारे कंट्रीज को, सारे स्टेट्स को, यानी कि सारे स्टेट्स को अपने फॉरेस्ट कवर को लगभग 23-33% रखना है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके पहले तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो देयर वर डिफॉरेस्टेशन ऑन द मास स्केल, नाउ वी टर्न टू ए फॉरेस्टेशन ऑन द मास स्केल। इसी के अंतर्गत एमपी गवर्नमेंट बोलो या फिर इंडिया गवर्नमेंट बोलो, वी सेलिब्रेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स नाउ दी फेस्टिवल्स लाइक वन महोत्सव, ग्रीन डे हम करते हैं, अर्थ आर होता है, एक घंटे के लिए सारे लाइट बंद कर दिए जाते हैं, दैट इज अर्थ आर। ओके, ग्रीन डे मनाते हैं, उसमें हम प्रमोट करते हैं ग्रीनरी को, हम वन महोत्सव मनाते हैं, हमारे यहाँ पे हर बार सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सैपलिंग्स प्लांट किए जाते हैं अलग अलग जगह, स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग। ओके, द नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? देखिए, किसी भी कंट्री के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेस होते हैं, उस रिसोर्सेस को जुडिशियली यूज करना है। ओके, सो वी नीड टू फर्स्ट अलोकेट द रिसोर्स, सी टू द इन्वेंट्री हाउ मच इट इज, देन सेकंड सी इफ इट इज टेक्निकली फीजिबल और नॉट। ओके, एंड फाइनली वी हैव टू मैच द प्लानिंग विद द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मान लो कि वी फाउंड टुडे समवॉट वी फाउंड अ वेरी ह्यूज डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस समवेयर इन इंडिया, तो हमें उसे अपने लॉन्ग टर्म गोल में रखना है। ऐसा नहीं है कि मिल गया तो दो चार साल में अपन उसको या तो सब बांट दो, बेच दो या यूज कर दो, खत्म कर दो। नो, हमें इसको लॉन्ग टर्म उसमें स्केल में यूज करना है। कि मान लो अभी हमें, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि भैया वी हैव थ्री काइंड ऑफ थ्री प्लेसेस वेयर इन इंडिया यू गॉट द ऑयल रिफाइनरीज, है ना। तो लेट मी टेक नेम ऑफ वन ऑफ दोस, आसाम में है दिग्बोई। ओके, तो वो दिग्बोई में क्या है, दीज आर दिस इज वन ऑफ द मेन और प्राइम ऑयल फील्ड इन इंडिया। तो वहाँ से जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट बेच देती है। वी आर फॉसिल डेफिशिएंट नेशन, जबकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पर फॉसिल बहुत कम मिलता है। फॉसिल आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, है ना। तो क्रूड ऑयल बहुत कम है अपने यहाँ पर, तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर हम उसे यूज करेंगे और मान लो वो 10 साल का है और हमने 10 साल में खत्म कर दिया और 11वें साल में हमारा युद्ध हो गया, देन व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू? फिर टैंक, मिलिट्री के जितने भी व्हीकल्स हैं वो किससे चलेंगे? अगर मान लीजिए हमारे दुश्मन देश से ही हम खरीद रहे हैं या उससे होते हुए रास्ते से होते हुए हमारे पास वो सारा संसाधन आता है, तो देन वी आर गॉन। आपके पास सब है, टैंक है, जेट है, सब है, पर आप चलाने के लिए ईंधन ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है, तो आप तो हार गए, बात ही खत्म हो गई, है ना। सो दैट इज वाई वी हैव टू मैच अप विद द प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट। तो लॉन्ग टर्म गोल से हम इसको मैच करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल रिसोर्स प्लानिंग। एक और चीज होती है इसी के बाद, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, कोई सा भी रिसोर्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो यानी कि बायोटिक, चाहे वो एबायोटिक हो, चाहे वो आपका आयरन हो, चाहे आपका जिंक हो, चाहे आपका कोई मेटल हो या नॉन मेटल हो, या कोई भी एक्स वाई जेड चीज हो, सबका लिमिटेशन होता है। नथिंग इज अनलिमिटेड इन दिस ऑन दिस प्लैनेट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको समझते नहीं है, हम सोचते हैं जैसे एक टाइप का रिसोर्स होता है रिजर्व रिसोर्स। ओके, तो रिजर्व्स क्या होता है, जैसे कि वाटर रिवर्स जो है वो हमारे रिजर्व रिसोर्स है, हमें पता है कि इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है, और उसकी एक लिमिट तो है ना, कि एक नदी है कुछ बहती है मान लीजिए, और वो एक साल में उसका डैम बना करके उस पर इतनी फला फला मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर क्या हम मान लीजिए 2200 मेगावाट, क्या हम उससे ज़्यादा बना सकते हैं? तो आंसर इज नो, इसका मतलब हो गया लिमिटेड। हालांकि रिन्यूएबल है पर फिर भी क्या है, लिमिटेड। तो इसीलिए इसको हमको कंजर्वेशन इसका हमें करना है। सो हाउ टू कंजर्व दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मेकिंग अवेयर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस्ट द पीपल, ऑल्सो प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे हुआ है, B3 इंजन बैंड हो गया, B4 इंजन नाउ इज रनिंग, है ना। अभी आप देखेंगे ऑन गूगल मैप तो इंडिया और चाइना
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किया हुआ पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज। एक और पॉजिटिव चीज निकली है, हालांकि वो नेगेटिव में से निकली है, जो कि पेंडेमिक के टाइम पे हुआ। पेंडेमिक के टाइम पे देर वॉज नो नथिंग, नो नॉइज, जैसे अभी आपको सुनाई दे रही है बाहर, देर वॉज नथिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन द रोड। तो उससे क्या होता था कि उससे ये होता था कि भैया अर्थ को अपने आप को हीट करने का मौका मिला। और उसके बाद पिछले 20 साल में सबसे साफ हवा भरी अर्थ के ऊपर। दिस इज वॉट वी नीड टू ऑब्जर्व वंस इन अ वाइल। आई थिंक कि लॉकडाउन वॉज अ गुड आइडिया, और हमें अपने आप से कम साल में 2 बार लॉकडाउन करना ही चाहिए, एक एक दिन के लिए। वन डे इज ह्यूज, क्योंकि इससे मुझे पता है कि इकोनॉमिकली भी वी आर गोइंग टू सफर, बट कब तक पैसा बनाएंगे। देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी नीड टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर ऑल्सो एंड द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट ऑल्सो, बिकॉज इट लाइज इन आवर ओन हैंड। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग। सो वॉट वी सी ओवर हियर इज देयर आर फ्यूचर पाई चार्ट्स दैट वी हैव। द फर्स्ट पाई चार्ट शोज दैट हाउ द लैंड एरिया इन इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, so we have 43% of plains, 30% of mountain and 27% of your plateaus. okay, so this is how the land area is. एक जानने और देखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर सैंडी एरियाज को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे एरियाज को नहीं देख रहे हैं जो दे आर कवर्ड विथ आइस, ओके, बिकॉज वी कैंट डू एग्रीकल्चर ऑन दैट, फाइन। तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट। तो एक और चीज़ और होती है कि वी कांट इंक्रीज द एरिया। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा, द लैंड एरिया ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब अगले साल 3.29 तो नहीं हो जाएगा, इट्स नॉट माउंट एवरेस्ट। तो अगर बढ़ नहीं सकता है तो वॉट एवर वी हैव टू यूज।